पर एक बात याद रखना, नाम बदलने से रावण राम नहीं बन जाता, जैसे लेबल बदलने से लेबल नहीं बदलता। महाठग बंधन के रावण का दहन किया जाता है, चयन नहीं देश हित में जारी। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में सीबीआई ने कलकत्ता हाई कोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर कई अहम खुलासे किए हैं। सीबीआई ने गुरुवार को चीफ जस्टिस टीएस शिवकर्णम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की बेंच के समक्ष सीलबंद लिफाफे में जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश की। सीबीआई ने कोर्ट से शिकायत की है कि राज्य भूमि रिकॉर्ड से जुड़े मामले में सहयोग नहीं कर रहा है। उनके मुताबिक जमीन कब्जा करने से जुड़े मामले में 900 शिकायतें हैं। यदि राज्य आवश्यक सहयोग प्रदान नहीं करता तो जांच में देरी होगी। एजेंसी की रिपोर्ट का अध्ययन करने के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने सीबीआई को संदेश खाली की स्थानीय पीड़ित महिलाओं के बीच विश्वास निर्माण के तरीके विकसित करने का निर्देश दिया ताकि वे अपनी शिकायतें दर्ज करा सके। रिपोर्ट में ये भी आरोप है कि इन महिलाओं को अपनी आवाज उठाने के खिलाफ धमकाया जा रहा था। वही रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य ने अब तक कोर्ट के उन आदेशों पर कोई कार्रवाई नहीं की है जिसमें कोर्ट ने संदेश खाली के कुछ संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सड़कों पर लाइट लगाने के लिए राज्य को 15 दिनों के भीतर आदेश लागू करने को कहा गया था, जिस पर कोर्ट ने आदेश को तुरंत लागू करने का निर्देश देते हुए कहा कि आदेश पर अमल नहीं करने पर राज्य पर कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से राज्य की पूर्वानुमति के बिना सीबीआई की कार्रवाई को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान केंद्र की ओर से दलील रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सीबीआई केंद्र सरकार के नियंत्रण में नहीं है। बता दें कि सीबीआई जांच पर आपत्ति जताते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने संविधान के आर्टिकल 131 के तहत केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार की सहमति वापस लिए जाने के बावजूद केंद्रीय एजेंसी कई मामलों में एफआईआर दर्ज कर रही है और अपनी जांच आगे बढ़ा रही है जबकि उसे अपनी दायरे में रहकर जांच करनी चाहिए। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच को बताया कि संविधान का आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट के सबसे पवित्र क्षेत्राधिकारियों में से एक है और इस प्रावधान को लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, किसी को भी इसके दुरुपयोग की इजाजत नहीं दी जा सकती। बता दें कि आर्टिकल 131 केंद्र और एक या ज्यादा राज्यों के बीच विवाद में सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र से जुड़ा है जिस पर जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि भारत संघ ने कोई मामला दर्ज नहीं किया है, इन्हें सीबीआई ने दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में आगे की सुनवाई 8 मई को करेगा। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को लोकसभा चुनावों के दौरान डीप फेक वीडियो के प्रसार को रोकने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि वह चुनावों के बीच कोई निर्देश पारित नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग इसके लिए उपाय ही नहीं है, वो इस मुद्दे पर कार्रवाई करेगा। वहीं कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की बेंच ने वकीलों के संगठन द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा किया है। उन्हें निर्वाचन आयोग के समक्ष इसके लिए आवेदन दायर करने को कहा गया है। बता दें कि यह याचिका ऐसे समय में दाखिल की गई थी जब दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री के फेक वीडियो के मामले में केस दर्ज कर छानबीन शुरू की है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें 4 साल के LLB पाठ्यक्रम की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार को एक कानूनी शिक्षा आयोग गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने याचिकाकर्ता वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय से कहा कि यह मामला कोर्ट के क्षेत्र में नहीं आता, हम पाठ्यक्रम डिजाइन नहीं करते। सुनवाई के दौरान वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय ने तर्क दिया कि राम जेठमलानी और सोली सोरावजी जैसे कानूनी दिग्गज 17 साल और 21 साल की उम्र में इस पेशे में शामिल हुए थे जिस पर कोर्ट ने कहा कि उनकी शिक्षा कभी खत्म नहीं हुई, उनके व्याख्यानों को देखें और देखें कि पेशे में आने के बाद भी उन्होंने कितना कुछ आत्मसात किया। वहीं कानून के छात्रों को इतिहास और अर्थशास्त्र जैसे विषयों का अध्ययन न कराए जाने की दलील पर बेंच ने कहा
कि कानून के छात्रों के रूप में उन्हें इन विषयों को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में बहुत सारे नवाचार हो रहे हैं। कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र सभी जुड़े हुए हैं। जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा याचिका वापस लेने के अनुरोध पर उन्हें इसकी अनुमति दे दी। वहीं यूपी के रामपुर के मुस्लिम डिग्री कॉलेज में हुई अभद्र टिप्पणी के मामले में अभिनेत्री एवं रामपुर की पूर्व सांसद जयप्रदा बयान देने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। उनके वकील ने गुरुवार को स्थगन प्रार्थना पत्र देकर कोर्ट से समय देने की मांग की, जिसे सुनने के बाद कोर्ट ने आगामी 15 मई को उन्हें पेश होने के आदेश दिए हैं। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद कटघर क्षेत्र के मुस्लिम डिग्री कॉलेज में आयोजित सम्मान समारोह में रामपुर के पूर्व सांसद आजम खान, मुरादाबाद की सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन समेत अन्य समाजवादी पार्टी नेता शामिल हुए थे। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान रामपुर की पूर्व सांसद एवं अभिनेत्री जयप्रदा पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। इस मामले में रामपुर निवासी मुस्तफा हुसैन ने आजम खान, डॉक्टर एसटी हसन, अब्दुल्ला आजम, फिरोज खान, आयोजक मोहम्मद आरिफ, रामपुर के पूर्व चेयरमैन अजहर खान के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसी मामले में बयान देने के लिए कोर्ट में अभिनेत्री एवं रामपुर की पूर्व सांसद जयप्रदा को 15 मई को हाजिर होना है। कोर्ट से जुड़ी प्रतिदिन की कार्यवाही से अपडेट रहने के लिए हमारी विशेष कार्यक्रम को देखें और वीडियो को जरूर शेयर करें।